भागे की सारी खबरें आप तक पहुंचा देते हैं। तो आपको बता दें कि लड्डू की रिपोर्ट आ जाएगी और रिपोर्ट सबसे पहले लगेगी ऋषभ के हाथों और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी आपको बता दें कि कैसे शर्ली ने भी बहाना किया। शर्ली ने कहा घर वालों के सामने कि मेरी हालत ख़राब हो रही है जब से मैंने वो लड्डू खाए हैं और उन्हीं लड्डू की वजह से प्रीता का भी हाल बेहाल है। जहाँ शर्ली ने बहुत ही ड्रामे को क्रिएट किया और महारा ने इन सब को पढ़ाने की कोशिश की और कहा कि सरला ने ही लड्डू में कुछ ऐसा मिलाया होगा जिसकी वजह से प्रीता की वो हालत है और शर्लिन इस तरह से परेशान है और शर्लिन का जी मचल रहा है। जिस बात पर यकीन नहीं कर रहा करण और ऋषभ का दिल, पर करीना लड्डू को भिजवा चुकी है जांच के लिए और जांच की रिपोर्ट जब सामने आएगी तब होगा खुलासा और ये खुलासा सबसे पहले ऋषभ के सामने होने वाला है। पर खबरों के मुताबिक ये खबर आ रही है कि रिपोर्ट भले ही पॉजिटिव आए पर ऋषभ सबके सामने ये कहेगा कि ये रिपोर्ट नेगेटिव है और लड्डू में कुछ नहीं मिला था, जिसे सुनकर जिसे जानकर शर्लिन और महरा दोनों के होश उड़ जाएंगे। कल आगे क्या होगा और किस तरह से न्यू टर्न एंड ट्विस्ट आपको देखने को मिलेंगे, इसकी सारी खबर आप तक पहुंचा देंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट के जरिए।